दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए ब्रांड न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो गाइस जो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आप लोगों के लिए आ चुका हूँ टॉप 10 लो एंड पीसी गेम जो कि आपके 2GB रैम और 500MB ग्राफिक कार्ड में आराम से चल जाएगा। आपके पास डुअल कर का प्रोसेसर होना चाहिए इन सभी गेम को खेलने के लिए। एंड दोस्तों इनमें कुछ ओपन वर्ल्ड गेम है, कुछ शूटिंग गेम है एंड कुछ हॉरर गेम है एंड कुछ रेसिंग गेम है, तो पूरा मिक्स है दोस्तों। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा एंड जितने भी गेम पसंद आता है तो आप फटाक से हमारे वेबसाइट पे फन के जाए, वहाँ इंस्टॉल कर ले इस गेम को। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करें। बल्कि जो हमारा पहला नंबर वाला गेम है उसका नाम है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। एंड दोस्तों द अमेजिंग स्पाइडरमैन सच बताऊं तो अपने आप में एक बहुत ही ऑसम गेम है। तो अभी तक आपने नहीं खेला है तो भाई आपको मेरे वेबसाइट पे इस गेम का सेटअप मिल जाएगा, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं एंड प्ले कर सकते हैं। एंड गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा नहीं। तो पहले हम गेम के बारे में थोड़ा बात कर ले। द अमेजिंग स्पाइडरमैन है वो एक ओपन वर्ल्ड गेम है जिसमें आप एक्शन एडवेंचर एंड आपको यहाँ पर शूटिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। सो वेल गाइस इस गेम को रिलीज किया गया था 26 जनवरी 2012 को। ऐसी गेम आप बोल सकते हो जैसे स्पाइडरमैन फिल्म में अपने को देखने को मिलता है, पूरा सेम आपको उसी टाइप का पूरा आपको इसमें एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। मतलब पीटर पार्कर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है तो बेसिकली यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं, टास्क कंप्लीट करने रहते हैं एंड यहाँ पर किलविश को माना रहता है एंड जो आप जानते ही हैं। तो साथ ही साथ मैं बता दूँ सिंगल प्लेयर खेल सकते हैं, मल्टीप्लेयर का कोई ऑप्शन नहीं है एंड ऑलमोस्ट ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। एंड्रॉयड के लिए भी उपलब्ध है, PlayStation 3, Xbox, Windows एंड etc। सो वेल गाइस इस गेम को डेवलप किया गया है गेमलॉफ्ट के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है एक्टिविजन के द्वारा। एंड दोस्तों जो इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है। सो वेल गाइस इस गेम की मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की थोड़ा बात कर लेना चाहता हूँ। दोस्तों रैम की बात करो तो मिनिमम 2GB होना चाहिए, अब ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो मिनिमम दोस्तों आपके पास इंटेल कोर स्टूडियो होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। स्पेस की बात करो तो मिनिमम 8GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके PC या लैपटॉप पे। अगर आप ये सभी सिस्टम रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो गेम को खेलने के लिए आप रेडी हो। सो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम की ऊपर, उसका नाम है Battlefield 3। Battlefield के सीरीज के बारे में क्या कहना, Battlefield 3 भी एक आपका फर्स्ट पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है जिसमें कि आप बोल सकते हैं आप सोल्जर का रोल अदा करते हो एंड यहां पर आपको कैंपिंग करना रहता है, अपने दुश्मनों को मारना रहता है। एंड वेल गाइस आप जैसे कि बोल सकते हो ये Battlefield 2 का सीक्वेंस है, मतलब जो 2005 को निकला था उसी का सीक्वेंस निकाला गया था Battlefield 3। ये गेम रिलीज किया गया है दोस्तों 25 अक्टूबर 2011 को एंड इस गेम को डेवलप किया है गया है EA के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। सो वेल गाइस गेम बहुत ही अच्छा है एंड ऑलमोस्ट आपका सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। PS3 के लिए आप इसे खेल सकते हो, Xbox एंड Windows के लिए तो है। एंड गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट दोस्तों बहुत ही कम है, आप आराम से अपने 2GB रैम, डुअल कोर प्रोसेसर एंड 512MB ग्राफिक कार्ड में खेल सकते हो। एंड स्पेस की बात करो तो मिनिमम आपके पास 11GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। अगर ये गेम पसंद है और ये गेम आपको पसंद आता है तो फटाफट जाओ मेरे वेबसाइट से एंड वहाँ से इंस्टॉल कर लो। सो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर जिसका नाम है Far Cry 2। एंड जैसे कि मैंने पहले दो गेम के बारे में आपको बताया, सिंपली Far Cry 2 का भी मतलब भाई बहुत ही ऑसम गेम है। सो वेल गाइस Far Cry 2 भी एक आपका फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है जिसे डेवलप किया गया है Ubisoft के द्वारा एंड इसे पब्लिश भी किया गया है Ubisoft के द्वारा। एंड आप बोल सकते हैं कि एक सीरीज़ है Far Cry 1 का, तो Far Cry 1, Far Cry 2 ये सीरीज़ आपका लगातार 5 तक अभी तक चल रहा है, तो आपको मेरे वेबसाइट पे सभी सीरीज़ मिल जाएंगे। सो वेल गाइस इस गेम को रिलीज़ किया गया था 21 अक्टूबर 2008 को एंड इसे डेवलप किया गया Ubisoft के द्वारा, पब्लिश भी किया गया Ubisoft के द्वारा। एंड वेल गाइस ये भी आप ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, विंडोज़, PlayStation 3 एंड Xbox में। बेसिकली यहाँ पर आपको कैंपिंग करना रहता है, मतलब सर्वाइव करना रहता है। ये पूरा ओपन वर्ल्ड आपको एक्सपीरियंस दोस्तों इस गेम में मिलता है एंड इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट दोस्तों वो भी ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम है। सो यहाँ पर आपको सर्वाइव करना रहता है एंड आफ्टर सर्वाइव करने के बाद आप फ्रीली इधर उधर घूम सकते हो, मतलब गाड़ी उड़ी चला सकते हो, बोट चला सकते हो, फायर वर्क कर सकते हो। सो वेल गाइस जो इस गेम को जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करो तो मिनिमम 1GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। एंड प्रोसेसर की बात करो दोस्तों पेंटियम में गेम आराम से चल जाएगा। एंड स्पेस की बात करो तो मिनिमम आपके पास 5GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। सो वेल गाइस बढ़ते
हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर, बल्कि जो हमारा फोर्थ नंबर वाला गेम है उसका नाम है बाइनरी डोमेन। एंड दोस्तों ये भी एक आपका थर्ड पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है, तो टोटल आपका आउटर स्पेस वाला गेम है। एंड यहाँ पर आपको एलियंस को मारना रहता है, एंड जैसे जैसे आप मिशंस कंप्लीट करते जाते हो उस हिसाब से आपको जो लेवल है वो अपग्रेड होते जाता है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो एक शूटिंग गेम है। एंड दोस्तों इस गेम को रिलीज किया गया 16 फरवरी 2012 को। एंड वेल गाइस इस गेम को डेवलप किया गया है, गेम को डेवलप किया गया है जी ए गोटोकू स्टूडियो के द्वारा, एंड इसे पब्लिश किया गया है सीगा के द्वारा। एंड वेल गाइस ये गेम ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स, इनफैक्ट आप इसे पीसी में भी खेल सकते हो। पूरा आप बोल सकते उसमें जो भी आपका रहता है एलियंस वेलियंस को आपको मारना रहता है। एंड ये टोटल फ्यूचरिस्टिक गेम है दोस्तों, एंड गेम बहुत ही अच्छा है, पूरा आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। एंड दोस्तों इसका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। बात करूँ तो मिनिमम 2GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करूँ तो 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करूँ तो मिनिमम पर आपके पास डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। एंड इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो प्लीज़ मेरे वेबसाइट पे विजिट करें। साथ ही साथ बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। सो वेल गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर क्या रहे हो, एक लाइक एक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। तो बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। सो वेल गाइस जो हमारा फिफ्थ गेम है उसका नाम है सैंस रो थर्ड। एंड दोस्तों सैंस रो थर्ड का क्या कहना, ये टोटली आपका ओपन वर्ल्ड गेम है। इसमें आपको एक्शन एडवेंचर एंड शूटिंग का पूरा एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे GTA सीरीज का गेम को आप बोल सकते हो। GTA 5 में जैसे ओपनली खेलते हो सेम आपको इसमें भी विजुअल मिलने वाला है। तो वेल गाइस इस गेम को रिलीज किया गया था 15 नवंबर 2011 को, एंड ये भी ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है एंड्रॉयड को छोड़ के। सो वेल गाइस इस गेम को डेवलप किया गया था स्टूडियो LLC के द्वारा, एंड इसे पब्लिश किया गया है कोच मीडिया के द्वारा। एंड वेल गाइस गेम बहुत ही अमेजिंग है, आपको ज़रूर से इसे ट्राई करना चाहिए अगर आप एक ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हैं अपने लो एंड PC पे। सो इस गेम में बेसिकली आपको क्या करना रहता है, आपको यहाँ पर मिशंस को कंप्लीट करना रहता है ना। आफ्टर मिशन यहाँ पर आप फ्रीली घूम सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, मतलब जो भी आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करते हो वो सभी आप इस गेम में कर सकते हो। एंड इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट दोस्तों वो भी ज़्यादा नहीं है, रैम की बात करो तो मिनिमम 2GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो Pentium में गेम आराम से चल जाएगा, स्पेस की बात करो तो मिनिमम 10GB के आसपास आपकी PC या लैपटॉप पर स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। बढ़ते हैं हमारे सिक्स नंबर वाला गेम है उसका नाम है ग्रेड 2। एंड दोस्तों ग्रेड 2 एक रेसिंग वीडियो गेम है जिसमें कि आपको ओपन वर्ल्ड का एक्सपीरियंस होता है। आप मैं ये नहीं कहूँगा कि टोटली ओपन वर्ल्ड गेम है, इसमें आपको बेसिकली रेसिंग करना रहता है। एंड दोस्तों इसका जो ग्राफिक्स है बहुत ही ऑसम है, इसके और भी सीरीज आपको मिल जाएंगे तो आप जाके चेक करना, बट आपकी लो एंड PC पे ये गेम फिट बैठता है। सो वेल गाइस इस गेम के बारे में थोड़ा बता दूँ, यहाँ पर आपको बेसिकली रेसिंग करना रहता है। एंड आफ्टर रेसिंग यहाँ मैं नहीं कहूँगा कि आप इधर उधर घूम सकते हो, बस ये रेसिंग गेम है एक तरह का। गेम रिलीज किया गया था 27 मई 2013 को, एंड इसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया है कोड मास्टर के द्वारा। एंड बोल सकते हो दोस्तों बात के दोस्तों तो ये एक सिंगल प्लेयर गेम है, एंड मल्टीप्लेयर भी अपने दोस्तों के साथ भी इसे आप खेल सकते हो। एंड इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना तो प्लीज़ आप मेरे वेबसाइट पर विजिट करें, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड इसका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। और रैम की बात करो तो 2GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें दोस्तों 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो यहाँ पर आपके पास डुअल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए, स्पेस की बात करो तो मिनिमम 15GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए, आप आराम से इस गेम को खेल सकते हैं। इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो प्लीज मेक श्योर आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करें, वो इसका भी लिंक आपको इस गेम का भी लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं हमारे सेवेंथ गेम के ऊपर। सेवेंथ नंबर वाला गेम है उसका नाम है स्पेक्स ऑप्स द लाइन। एंड दोस्तों ये भी आपका एक थर्ड पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी के सीरीज को आपने खेला होगा। सिंपली बेसिकली आपको इसमें भी ऑसम मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं, एंड यहाँ पर अब भी आपको सरवाइव करना पड़ता है इस गेम में। तो पूरा शूटिंग बेस्ड गेम है दोस्तों, एंड को रिलीज किया गया था दोस्तों 26 जून 2012 को। आई गेस इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया, इस गेम को डेवलप किया गया जर्मा स्टूडियो के द्वारा, एंड इसे पब्लिश किया गया है 2K गेम्स के द्वारा। 2K गेम्स के बारे में आपको नहीं पता तो 2K गेम्स बहुत ही ऑसम गेम्स बनाते हैं, माफिया 1, माफिया 2 एंड माफिया 3, इनफैक्ट 2K गेम्स का ही है। तो इनफैक्ट और भी बहुत सारे गेम्स उन्होंने क्रिएट किए हैं। तो दोस्तों ये गेम
बहुत ही ऑसम है। इनफैक्ट यार क्या बताऊँ इस गेम को, एंड ये गेम ऑलमोस्ट आपकी सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, विंडोज, मैक, एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन 3, आप सभी प्लेटफॉर्म में इस गेम को खेल सकते हो। एंड साथ ही साथ दोस्तों गेम का जो ग्राफिक्स है वो भी आपको इसमें बहुत ही ऑसम मिलता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम है। रैम की बात करो तो मिनिमम 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 256 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करो तो मिनिमम 7 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके PC या लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर इस गेम को भी आपको ट्राई करना है तो वेबसाइट में जाना है, कॉल करना है, एंड आप इस गेम को खेलने के लिए रेडी हो। सो गाइस बढ़ते हैं हमारे 8 गेम की, मेट्रो लास्ट नाइट एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है जो कि आपका इसमें आपको सर्वाइव करना रहता है, एक तरह की हॉरर गेम भी आप इसे बोल सकते हो। इस गेम को रिलीज किया गया था 14 मई 2013 को। इस गेम को डेवलप किया गया है यूकेरियम स्टूडियो के द्वारा, एंड इस गेम को पब्लिश किया गया है डीप सिल्वर के द्वारा। बहुत ही ऑसम है, सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, प्ले स्टेशन 3, एक्सबॉक्स सभी में आप इसे खेल सकते हो, इनफैक्ट विंडोज में भी खेल सकते हो। ज्यादा कुछ इस गेम में अभी आपको दोस्तों इस गेम में आपको सर्वाइव करना रहता है, साथ ही साथ सर्वाइव करने के साथ एक हॉरर गेम है। तो दोस्तों जो लोग हॉरर एंड सर्वाइवल गेम खेलना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो वेबसाइट पे जाना है, वहां से आप आराम से इस गेम को प्ले कर सकते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करो तो रैम की बात करो तो मिनिमम 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो डुअल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए, एंड स्पेस की बात करो तो मिनिमम 15 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को आपको रन करने के लिए। सो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे नाइन्थ गेम के ऊपर जिसका नाम है डार्कसाइडर 2। एंड दोस्तों डार्कसाइडर 2 एक एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है जिसे रिलीज किया गया था 14 अगस्त 2012 को, एंड इसे डेवलप किया गया है वीगी गेम्स के द्वारा, एंड इसे पब्लिश किया गया THQ के द्वारा। सो वेल गाइस ये गेम आपके ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। इस गेम में बेसिकली आपको वंबीज को या आप बोल सकते हो यहाँ पर राक्षस को मारना पड़ता है, कि आपको सर्वाइव करना रहता है, मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं, देन आफ्टर आप इसमें भी आपको दोस्तों ओपन वर्ल्ड गेम का थोड़ा आप एक्सपीरियंस मिल जाता है। ऑलमोस्ट गेम का ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है दोस्तों, एंड इस गेम को भी अगर आपको इंस्टॉल अपने वेबसाइट पे दे दूंगा वहां से आकर इसे प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ बता दूं इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो बहुत ही कम है। रैम की बात करो तो मिनिमम 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो दोस्तों मिनिमम आपके पास डुअल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड सबसे ऑसम गेम के ऊपर जिसका नाम है 10th नंबर वाला गेम है, उसका नाम है स्नाइपर इलाइट ज़ॉम्बी आर्मी। एंड दोस्तों इस गेम का क्या कहना है, बेसिकली इस गेम के बारे में मैं डिस्क्राइब कर देना चाहता हूं। इलाइट ज़ॉम्बी आर्मी एक थर्ड पर्सन शूटिंग गेम है जिसमें आपको जॉम्बिस को किल करना रहता है, एंड देन आफ्टर जो आपका मिशंस कंप्लीट होता है। एंड वेल गाइस मैं बता दूं इस गेम में जो ग्राफिक्स है एंड जो स्लो मोशन जब आप इसका जो गोली चलता है दोस्तों उसका क्या कहना, मतलब यार कतई एक तरह का हॉरर मूवमेंट वो बना देता है जैसे आप जॉम्बिस को मारते हो। सो वेल गाइस बेसिकली इस गेम को जो रिलीज़ किया गया था 28 फरवरी 2013 को, एंड वेल गाइस इस गेम को डेवलप किया गया है रिवेलियन डेवलपमेंट के द्वारा। एंड दोस्तों इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ खास ज़्यादा नहीं है। इस गेम को रन करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 GB रैम होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, एंड स्पेस की बात करो तो मिनिमम आपके पास के आसपास स्पेस होना चाहिए। एंड प्रोसेसर की बात करो दोस्तों इंटेल पेंटियम डी का प्रोसेसर आपके PC या लैपटॉप पे होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। एंड वेल इस गेम को भी आपको प्ले करना है, इंस्टॉल करना है, तो प्लीज़ आप मेरे वेबसाइट पर विजिट करें, वहाँ पर इन सभी गेम्स का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो वेल गाइस यही कुछ 10 गेम थे आपके लो इन टॉप 10 गेम में। आपका कौन सा फेवरेट गेम रहा या आप कौन सा गेम कंप्लीट कर चुके प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड हाँ दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया या हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर ले, वहाँ भी हमें फॉलो कर ले। एंड अगर आपको कुछ भी ऐसा इंक्वायरी रहता है, प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आप हमें DM कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।